नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सैलेड खाना यानी कि सलाद खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा या बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे अपने पेरेंट्स से कि सैलेड का सेवन जरूर करना चाहिए और वास्तव में करना चाहिए। लेकिन सलाद खाने के शौकीन हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखिए। हम आपको आज कुछ सलाद के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सा सैलेड अच्छा हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग सैलेड को चूज करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। ये इस एपिसोड के माध्यम से आपको मदद मिल जाएगी। सलाद खाना किसे पसंद नहीं है, और जब बात खाना खाने के साथ सलाद लेने की आती है तो फिर क्या कहना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सलाद आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं? जी हाँ, अगर आप यह सुनकर के हैरान हैं तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले ही आप इस बात से इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन ऐसे कुछ सलाद हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से सलाद हैं जो आपको फायदा और नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इस वॉइस ओवर के माध्यम से इसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं, पूर्णतः आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होने वाले सलाद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो क्रीम सलाद। जी हाँ, सलाद पर कभी भी ब्लू चीज या फिर उसमें हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ, अस्वस्थकर सैचुरेटेड फैट और सोडियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 चम्मच ब्लू चीज आपके सलाद में करीब 150 कैलोरी और 15 ग्राम से ज़्यादा फैट बढ़ा देता है। इन सब चीज़ों के कारण आपका सलाद चीज बर्गर और फ्राइज की तुलना में आपको अधिक फैट प्रदान करता है। फैट फ्री सलाद। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि लो कैलोरी या फिर फैट फ्री सलाद सही रहेगा, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। फ्लेवर मिलाने के चक्कर में आप अक्सर इसमें अतिरिक्त शुगर और सोडियम मिला देते हैं। फैट सलाद को स्वादिष्ट और स्वस्थ बनाता है। आपकी बॉडी को फैट की जरूरत होती है, इसलिए फैट फ्री सलाद का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्रिस्पी चिकन सलाद। चिकन के साथ हरा सलाद स्वस्थ सुनाई पड़ता है, लेकिन क्रिस्पी और क्रंची खतरे का संकेत देते हैं। ये शब्द डीप फ्राई का कोड है जो स्वस्थ सुनाई देने वाले सलाद के रूप में कैलोरी बर्न होने के संकेत देता है। लेकिन इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है कि कई अनुसंधानों से पता चला है कि बहुत अधिक तला हुआ भोजन खाने से आप में हार्ट के रोग का खतरा बढ़ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए कौन से सैलेड अच्छे हैं, कौन से सलाद का सेवन आपको करना चाहिए। ओलिव ऑयल और विनेगर। जी हाँ, अपने सलाद को सजाइए और आप अस्वस्थकर चीज़ों से हमेशा दूर रहेंगे। ध्यान रखें, अगर सजाएंगे तो इसकी शुरुआत ओलिव ऑयल के साथ करें, क्योंकि इसमें हमारे दिल के लिए स्वस्थ अनसेचुरेटेड फैट होता है। इसके अलावा इसमें नींबू या फिर लाइम जूस भी मिला सकते हैं। आप फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा मस्टर्ड या फिर शहद भी मिला सकते हैं, या फिर आप नमक और काली मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। नमक का प्रयोग कम करें, ध्यान रखें, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं दूसरा जो सलाद हमारे लिए बेस्ट होता है, वो है पालक का। जी हाँ, जब बात पत्तेदार साग की आती है तो यह और भी बेहतर हो जाता है। इसमें सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं। पालक में दूसरी हरी सब्जियों की तुलना में 10 गुना अधिक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले विटामिन ए और सी होते हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, बल्कि आपको कई बीमारियों से दूर रखने में भी मदद करते हैं और फायदेमंद होते हैं। इसीलिए पालक का सलाद ले सकते हैं, इससे आपके आंखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी। आज के लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा टीवी स्क्रीन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन या फिर मोबाइल फोन की स्क्रीन देखने में गुजरता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आंखें प्रभावित होती हैं। इसके अलावा सब्जियों से भरा हुआ सलाद भी अच्छा होता है। अधिक पोषण और स्वाद पाने के लिए आप अपने सलाद में सब्जियों का मिश्रण शामिल कर सकते हैं। आप गाजर, खीरे या ब्रोकली जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आप टमाटर, मिर्च, लाल मिर्च, प्याज भी जोड़ सकते हैं। यह स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखता है। तो इसीलिए जब भी सैलेड खाने की बात आए, सलाद खाने की बात आए, जरूर खाएं, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप
आपको कैसे सलाद का सेवन करना है, आपके लिए कौन सा सैलेड बेस्ट होगा आपकी सेहत के लिए, उसके अकॉर्डिंग खाएं, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।